Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue our chapter from class 10th biology, and the chapter is life processes. So guys, we have already done few videos of the chapter, and in this video we are going to discuss about respiration, one of the major topic from the chapter, right? So let's begin guys. So guys, today we are going to discuss about respiration. As I have told you, we are going according to the topics given in your NCERT. In last video we have discussed about digestive system. Today we will be discussing about human respiration system. Basically guys, this is a very complex process. And according to this process, two mechanisms are explained. One mechanism is according to the intake and out release of gases, and another one is the movement of rib cage and lungs. So two basically mechanisms are there to explain in this process of respiration, right? So firstly we will see some of the definition of respiration with the examples around us, and later we will be seeing the advantages, what are basically the functions of process of respiration. So respiration is a process in living organism involving the production of energy, typically with intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complete organic substances. So यहाँ पे इसका मतलब है कि ये respiration जो है हमारा वो ऐसा process है कि जिसमें energy का production होता है, और इस energy का production बहुत ही typical form में होता है. कैसे? कि oxygen को intake करते हैं हम, inspire करते हैं, और जो हमारे अंदर food breakdown होकर carbon dioxide बनता है उसको हम release करते हैं. सो इसी प्रोसेस से, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 से ही हमारा क्या बनता है, एनर्जी बनती है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, राइट? नाउ एग्जांपल्स देखते हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन. ह्यूमन के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यही प्रोसेस करते हैं कि ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. सिंपली वो सारे ऑर्गेनिजम्स यही प्रोसेस करते हैं, ठीक है? सो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज. योर गैसियस एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. सो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो भी इम्प्योरिटी है या फिर हमारे अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है उसको हम क्या करते हैं, एटमोसफेयर में रिलीज कर देते हैं. और एटमॉस्फेयर में जो प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग यूज कर लेते हैं, राइट? सो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड वन जो है फंक्शन वो है ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेलुलर रेस्पिरेशन. सो इसका मतलब है कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें फूड का ब्रेकिंग प्रोसेस होता है, और जब फूड का ब्रेकिंग प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, एंड दैट ऑक्सीजन हेल्प्स द फूड टू ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी. सो जनरल टर्म में ये फंक्शन है हमारा रेस्पिरेशन का. बेसिकली रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए होता है कि ऑक्सीजन से हमारा ब्रेकिंग डाउन होता है, किस चीज़ का ब्रेक डाउन ऑफ प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा फूड का ब्रेकिंग होती है, एंड दैट ब्रेकिंग ऑफ फूड मेक्स अस रिलीज विद द एनर्जी, राइट? दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड टॉपिक, एंड योर सेकेंड टॉपिक इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस वेज, राइट? सो इसका मतलब है कि कौन से पाथवेज से हमारा ग्लूकोज ब्रेक होता है. एज आई टोल्ड यू कि हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज बनता है. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, यू ऑल नो, C6H12O6, दिस इज योर ग्लूकोज. सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस मेथड से या किस पाथवे से रेस्पिरेशन के इस ग्लूकोज का ब्रेकिंग होता है, ठीक है?
दिस इज योर होल प्रोसेस जो कि एक पाई आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया है एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ईजी. ठीक है, सो दिस इज योर ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर जब इसका ब्रेकिंग होता है तो ये दो कंपाउंड्स बनाता है, पहला होता है पैरविक एसिड और दूसरा होता है एनर्जी. ठीक है, पैरविक एसिड प्लस एनर्जी में ये ब्रेक होता है. ठीक है, अब ये जो पैरविक एसिड और एनर्जी है ये दो प्रोसेस में ब्रेक होती है, यानी कि दो कॉन्सेप्ट है इसका ब्रेकिंग का. सो जो पहला कॉन्सेप्ट है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, यानी कि जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तभी ये फॉर्म होगा कंपाउंड, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी सेल में तब भी ये फॉर्म होगा. बट दोनों के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों कंडीशन में दोनों के प्रोडक्ट्स जो बनने वाले हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे. और तीसरी कंडीशन जो आती है वो आती है इनसफिशियंट ऑक्सीजन, यानी कि जब उन्हें सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हमारी मसल्स को हमारी सेल्स को, तब क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन में. तीन कंडीशन में ब्रेक होता है, पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा इनसफिशियंट ऑक्सीजन और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल टर्म में आपको पूछा जाता है तीनों, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है वो है इनसफिशियंट ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब फर्स्टली हम देखने वाले हैं एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा फर्स्ट है. एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में जो कंपाउंड बनता है ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तो उसमें क्या बनता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी को हम लोग जनरल टर्म में क्या बोलते हैं, वी से इट एज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन को हम बोलते हैं कि जब ग्लूकोज हमारा किस में ब्रेक होता है, एथेनॉल में ब्रेक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन की डेफिनेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन की डेफिनेशन. एंड जनरली यू नो व्हाट गाइस, दिस डेफिनेशन इज आस्क्ड मेनी ऑफ द टाइम इन योर एग्जाम्स, राइट. सो प्रोसेस ऑफ conversion of pyruvic acid into ethanol, CO2 and energy. ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये क्या प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज pyruvic acid से ethanol और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं fermentation. जनरली fermentation is seen in your yeast. Yeast is very important example of fermentation. Another can be best than this example. Now our second one is insufficient oxygen. Insufficient oxygen is also very important, guys. This is because insufficient oxygen deals with the lactic formation and formation of energy. So guys, generally jab aap dekho, get it very clear example. When you suddenly run for 2 or 3 kilometers and you rest after it. So aapko apne muscles mein, you know, you feel pain in your muscles, right? You feel pain in your muscles and that pain is called as muscle cramp. What you get? Muscle cramp. And these muscle cramp you have बिकॉज कि आपकी ऑक्सीजन जितना रिक्वायर्ड थी मसल्स में उतनी उन्हें नहीं मिली है. सो उनमें क्या हुआ, इनसफिशियंट ऑक्सीजन की वजह से पैरविक एसिड लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो गया. सो पैरविक एसिड एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारी मसल्स को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एंड जब वो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है मसल्स में, सो दैट कॉज इज मसल क्रैम. एंड सो यू हैव टू नो कि जब इनसफिशियंट ऑक्सीजन होगा पैरविक एसिड का तो वो लैक्टिक फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो एज वी आर टेकिंग दिस ग्लूकोज इन द सेल्स, सो हम सब कुछ अकॉर्डिंग टू सेल्स के देखेंगे, तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, राइट, द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी.
सो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पैरविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी के कंपाउंड में ब्रेक करता है. एंड दिस इज सिंपल कंपाउंड. हमारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से एंड वाटर इज समहाउ यूज्ड एंड एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर कैरिंग आउट द नॉर्मल वन. सो दिस वॉज योर पाथवे हाउ योर रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन योर फूड एंड फॉर्म्स एनर्जी टू यू राइट. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइप से आपको क्लियर होगा कि जो मैंने इससे पहले वाला टॉपिक आप लोगों को बताया है कि जिसमें हमारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. सो दिस टाइप विल हेल्प यू टू क्लियर कि कौन से टाइप में क्या फॉर्म होगा, क्योंकि जो दोनों टाइप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही दोनों हमारा ब्रेक डाउन ऑफ फूड से इंटरलिंक्ड है. सो लेट्स सी कि कैसे ये इंटरलिंक्ड है. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एनारोबिक. एनारोबिक इज जनरली टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जिसमें हमारा क्या बन रहा था CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. आई हैव टोल्ड यू दिस इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन इज फॉर योर एरोबिक एक्सप्रेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ये बन रहा है इक्वेशन. सो दिस मीन्स कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा हमेशा किस में होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा. अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर विच ऑर्गेनेल ऑफ सेल, यानी कि कहाँ पर होता है सेल में. सो इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं रिएक्शन के वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O राइट. और दोनों ही टाइप्स में यानी कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम कंपेयर करते हैं सो हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में रिलीज होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में. अबाउट कितनी 38 ADP, यानी 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में राइट. नाउ हम कंपेयर करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन से. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन एज नेम सजेस्ट ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, यानी कि सेल में ऑक्सीजन की एब्सेंस है. एंड जनरली इफ वी से तो ये साइटोप्लाज्म में होती है एंड एथेनॉल इज योर एल्कोहल राइट. सो एल्कोहल और लैटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. एंड लास्ट वन इज कि बहुत कम अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी रिलीज होती है, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स. सो 2 मॉलिक्यूल एनर्जी इज इवन नॉट सफिशियंट फॉर अ सेल सिंगल सेल टू कैरी आउट इट्स प्रोसेस. सो ये तो थे दोनों ही दोनों के डिफरेंसेस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में राइट. सो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन से हमें एक आइडिया मिला कि जो एनारोबिक है इसमें दो कंडीशन आ सकती हैं, जब या तो O2 एब्सेंट होगा ठीक है, O2 हमारा एब्सेंट है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी कि O2 लेस है ठीक है. सो दीज आर योर 2 कंडीशंस. और इसमें क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन डील्स विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑलमोस्ट क्लियर. मुझे लगता है कि जो मैंने आपको ब्रेकडाउन ऑफ फूड बताया है वो आपको इस प्रोसेस से बेसिकली टाइप से क्लियर हो गया होगा राइट. दिस इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पाथवे राइट गाइस. सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि किस पैसेज से हमारा गैसेज जो होती है वो एक्सचेंज होती है, रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है राइट. तो आई एम राइटिंग योर रेस्पिरेटरी पाथवे राइट. सो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे यानी कि नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल इज आर फर्स्ट एंट्रेंस ऑफ और यू कैन से फर्स्ट पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो
So here is your nostril. Nostril is your first pathway. After nostril जो होता है, nostril means outer nose that we see. That is your nostril. And this is your nostril. After nostril comes on nasal passage. यानी कि जब हम nostril, यानी external जो हमारे points होते हैं, जिससे हम respire करते हैं, two holes are present in our noses. So जो nose होता है उसको क्रॉस करके जब एयर सेंटर में पहुंचती है, सेंटर ऑफ योर नोज, दैट इज कॉल्ड एज योर नोजल पैसेज, नोजल पैसेज. एंड आफ्टर दैट होल नेजल पैसेज योर एयर गेट्स इनटू योर विंड ट्रैक्ट, एंड दैट विंड ट्रैक्ट इज नोज एज नेसल कैविटी. नेसल कैविटी इज बेसिकली जब हमारे नोज से एयर क्रॉस करके फर्दर आगे के पार्ट में मूव करना शुरू करती है. ठीक है, आफ्टर नेसल कैविटी कम्स योर फ्रेनिक्स. फ्रेनिक्स इज जनरली प्रेजेंट आफ्टर नेसल पैसेज. नेसल पैसेज मींस अप टू योर माउथ एंड, जहां से आपका फूड एंड विंड पाइप शुरू होती है, दैट इज नोन एज योर फारिंक्स. आफ्टर फारिंक्स कम्स योर लैरिंक्स. Larynx is also just behind the pharynx, and that is also a part of your windpipe. After that comes your trachea. Trachea is actual windpipe, जहाँ से हमारा air pass होके lungs तक पहुँचती है. And that trachea divides into two parts, as we have two lungs, so it gets divided from center, and that division is known as bronchi. That two division goes into lungs after bronchi, and that bronchi divides into small, small vein-like structures. So that vein-like structures are known as bronchioles. So you can say कि जो bronchi होती है उस trachea में दो division होता है. पहला bronchi होता है जो कि कुछ इस structure को होता है. This is your trachea. Then this get divided into two, this part, right? And here is your lung. This is your lung. And after entering here, it divides into lot of vein-like structures, right? So see, I am telling you, this is your bronchi. This division is your bronchi. This was your trachea. And this is your bronchi, and these are your bronchioles. See, so this is the real explanation. You must see this area, right? I wish you can see this area. This is your bronchi. See, it is divided into two parts, right? See, two parts may divide this. This is your bronchi, right? And after bronchioles, there is the most important part of our respiratory system. That is alveolar sac, or you can say alveoli. This is your structure of alveoli, and this is what actually site for रेस्पिरेशन, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल साइट होता है ये किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए ये एक्चुअल साइट होती है. ठीक है, सो यू हैव टू नो कि कौन सा काम किस पार्ट ऑफ बॉडी के लिए यूज हो रहा है. सो लास्ट वन दैट इज एल्वियर सैक से और एल्वियाइज, दीज आर योर एक्चुअल साइट फॉर respiration or gaseous exchange. So this is your diagram for alveoli. You can see this is your bronchioles, and these are your alveoli, right? Basically alveoli are balloon like structures, and these balloon like structures have a very high supply of blood vessels, and the linings of these alveoli is very thin, so that easily gaseous exchange can take place. And these areas are highly richly supplied with the blood, because blood carries your oxygen and carbon dioxide, right? So blood vessels, जब blood लेकर यहाँ तक आता है,
So that carbon dioxide gets diffused into alveolar sac, और जो alveolar sac में carbon dioxide यानी कि CO2 present होता है वो तो diffuse हो जाता है alveolar sac में, और alveolar sac में जो oxygen present होती है वो diffuse हो जाती है blood में. So this way whole gaseous exchange take place, right? So this was your all about the how respiratory system has a pathway. So थोड़ा complex है, but अगर आप इस पूरे equation type इस flow chart को याद कर ले रहे हो, so you will not have any difficulty in learning the respiratory system. As I have told you to make short notes, so this is one type of your short notes. So guys, this is your next topic. So your next topic is actually what? Mechanism of breathing. Mechanism of breathing is very important topic. It is because it actually defines your respiration. Mechanism of breathing is generally an important topic considered actually. So mechanism of breathing considers two processes. First one inhalation and second one exhalation. So as you can see, inhalation means to take in the oxygen, right? So it means कि oxygen intake के process को हम लोग क्या कहते हैं, inhalation. और removing carbon dioxide from body is called exhalation, right? So this is was your general definition. But इसको हम लोग जो ये दोनों mechanism है, these both mechanisms are dealt with your movement of rib cage. Means आपकी जो थोरिक कैविटी है उसके मूवमेंट से रिलेट करते हैं ये लोग, ठीक है. सो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड मूवमेंट ऑफ थोरिक कैविटी, ठीक है. थोरिक कैविटी के मूवमेंट को से हम लोग इसको जनरली डिफाइन करते हैं, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. और इससे पहले जो मैं आपको बता रही थी इनहेल एंड एक्सहेल, this was according to removal and intake of gases. It means gaseous exchange के ऊपर depend कर रही थी. But mechanism of breathing depends upon movement of thorax cavity. So let's see क्या दिया हुआ है इसमें. So inhalation पे first of all देखते हैं. Firstly we will talk about inhalation. So जो thorax cavity होती है वो expand करती है, यानी कि जो thorax cavity होती है उसके size increase हो जाता है. तो इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑफ थोरिक दैट इज लंग्स इंक्रीजेस. सो जब थोरिक कैविटी एक्सपैंड होती है तो रिब केज अपलिफ्ट होती है. रिब केज अपलिफ्ट होने के साथ हमारा डायफ्राम एकदम फ्लैट हो जाता है. मींस अगर हम ऐसे देख रहे हैं, दिस इज योर लंग्स बोथ एंड दिस इज योर डायफ्राम, सो डायफ्राम गेट्स एकदम फ्लैट हो जाता है, इट्स गेट इवनली फ्लैट, राइट. तो फ्लैट हो जाने का रीजन यही होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है. सो हियर सी द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में आपका मेंशन है वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस. सो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा. सो जब प्रेशर डिक्रीज होगा सो बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है सो बाहर से अंदर की तरफ एयर रश करेगी. यू हैव हर्ड अबाउट हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट. सो सेम वाइज जब प्रेशर हमारी लंग्स में डिक्रीज हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई था, लंग पी वॉज डिक्रीज क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो गया था. एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हुआ, रश जो एयर हुई वो बाहर से हमारी अंदर क्या हुई, अंदर आ गई. सो बाहर से एयर अंदर लंग्स में आ गई, राइट. सो दिस वॉज योर इनहेलेशन. इनहेलेशन के जस्ट अपोजिट हमारा होता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में क्या होती है, थोरैक्स कैविटी कम हो जाती है, रिब जो होती है उनका शेप वापस डोम शेप हो जाता है, मीन्स सेमी सर्कुलर शेप, एंड रिब जो होती है वो नॉर्मल पोजिशन में आ जाती है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है. और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो इस फिनोमिना के अपोजिट आपका हो जाएगा पूरा प्रोसेस. सो क्या होगा, इस फॉर्मूला के अपोजिट होने से क्या होगा, हमारा लंग से एयर जो कि CO2 रिच है वो बाहर जानी चाहिए. सो दिस वॉज योर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग.
सो यू हैव टू बी क्लियरली नोइंग दैट कि क्या डिफरेंस है आपके दोनों प्रोसेस में. सो योर मैकेनिज्म मीन्स मूवमेंट ऑफ योर थॉरेक्स कैविटी. इट मीन्स कि आपके थॉरेक्स कैविटी से जो भी मूवमेंट हो रिलेटेड है वो मैकेनिज्म आपका डिफाइन कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. बट वहीं पे अगर आप इनहेल और एक्सहेल की बात कर रहे हो, सो गैसेस एक्सचेंज की बात करो, सो दैट विल बी योर रेस्पिरेशन, राइट. सो इट वॉज अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो हेयर इज वन डायग्राम विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू बेसिकली, एंड दिस डायग्राम योर होली एक्सप्लेन्स अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इनहेलेशन, राइट. इनहेलेशन इज हेयर. सो वन कंडीशन आई हैव टोल्ड यू फॉर इनहेलेशन, I have told you that lung pressure कम होता है and atmospheric pressure ज़्यादा हो जाता है. Lung pressure कम क्यों हो जाता है? Because lung pressure कम इसलिए होगा क्योंकि जो lung का volume है LV, I am denoting lung volume as LV, lung volume increase कर गया होता है. So अगर lung volume increase करेगा तो pressure हमेशा decrease करेगा. So ये condition develop हो जाती है. So इस condition के क्या होता है कि हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, रिब केज हमारी बाहर की तरफ मूव कर जाती है, एंड ड्यू टू दिस कंडीशन एयर हमारी अंदर की तरफ रश करती है. और सेम ये ऑपोजिट कंडीशन किसके लिए हो जाती है? यहाँ एक्सेलरेशन के लिए. सो एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या आपको कंडीशन बताई थी? मैंने बताया था कि लंग प्रेशर इंक्रीज रहता है एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. ये इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम, जो लंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया. सो लंग वॉल्यूम के डिक्रीज होने का मेन रीज़न कॉज यही होता है कि लंग प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फाइन, गॉट इट. सो जब ये होता है कंडीशन, ये कंडीशन डेवलप होती है, सो क्या होता है, डोम शेप में हमारा डायफ्राम दोबारा पहुँच जाता है अपनी नॉर्मल शेप में, ठीक है. एंड ड्यू टू रीचिंग इट्स नॉर्मल पोजिशन, सारे रिब्स जो होती हैं वो इनवर्ड की कंडीशन में आ जाती हैं, जो बाहर की तरफ थी इनहेलेशन में वो इस तरफ मूव की थी आउटरवर्ड. सो दोनों तरफ से जब आउटरवर्ड मूव की हमारी रिब्स, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. वैसा ही सेम होता है कि एक्सेलरेशन में क्या होता है कि रिब्स इनवर्ड मूव करने लगती हैं. तो जब रिब इनवर्ड मूव करती है तो क्या कंडीशन डेवलप होती है? इसका वॉल्यूम लो हो जाता है, ठीक है. सो जब कैविटी जो है थॉरिक्स कैविटी, उसका वॉल्यूम लो हो गया तो क्या होगा? जो वॉल्यूम लो होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई थी, हमारा लंग प्रेशर इंक्रीज हो गया था और एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया था. सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से होगा कि जो हमारी एयर, जो कि CO2 रिच है, यहाँ पे O2 रिच, आप O2 रिच बोल सकते हो क्योंकि बाहर से अंदर आ रही. सो हमारी बॉडी से जो एयर निकलेगी वो किस रिच होगी? CO2 रिच, ठीक है. सो CO2 रिच एयर क्या होती है? वो अंदर किससे? बाहर की तरफ चली जाती है. सो दिस वॉज योर डायग्राम, राइट. सो वंस अगेन वी विल सी दिस डायग्राम सो दैट यू कैन क्लियरली गेट अबाउट इट properly. So this is your diagram again. I'm here clearly lighting clear short-term issues so that you can easily get, and if you wish you can take a screenshots for your convenience. Isme kya teen do conditions hui. Pehli condition kya hui ki lung volume jo tha wo hamara increase ho gaya. So lung volume increase hua. लंग वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ जो हमारी सेकेंड कंडीशन हुई वो क्या हो गई? आई हैव टोल्ड यू लंग वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा सो क्या होगा? लंग प्रेशर डिक्रीज होगा. किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है. लंग प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज रहेगा. सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच गैस होगी, एयर होगी, वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है. दिस सो जब इसके अंदर आ जाएगी तो ये हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी जो हमने यहाँ पे डेवलप की है. दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड. सो आपने ये भी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा
in your chemistry you must have read about in osmotic pressure topic, right? In that topic, आपको ये बताया गया था lower concentration से हमेशा particles किस direction में move करते हैं, higher concentration वाले region में, ठीक है? So यही condition यहाँ पे भी हुई. कैसे हुई? देखो, जब यहाँ पे volume हमारा increase हुआ था, तो gas कम हो गई थी. So और बाहर के atmosphere में gas हमारी ज़्यादा थी, air means हमारी यहाँ पे air ज़्यादा थी. तो जब एयर यहाँ ज़्यादा थी सो ऑब्वियसली यहाँ पे कंसंट्रेशन लो था, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई था, तो ये लो से हाई में चली गई, ठीक है? सिमिलरली यही कंडीशन यहाँ पे भी हुई है आपके. एल वी जो था वो डिग्रेड हो गया, ठीक है? और इसकी वजह से एल पी ए पी से, यानी कि लंग प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ गया. सो लंग प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो एयर हमारे लंग के अंदर थी वो बाहर की तरफ रश कर गई. सो जो एयर हमारे लंग के अंदर थी वो किस में रिच थी? CO2 रिच एयर. और सेम हाईर लोअर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा था. सो दिस वॉज योर डायग्राम, राइट? So that's all guys for today's video. I hope you got clear. So thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Bye bye. Take care.